नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देख पा रहे हैं मेरे पास की वॉशिंग मशीन का ड्रायर का मोटर है ये, और इसका वाइंडिंग जल गया था। दोस्तों ये मोटर मेरे घर का ही है, मेरे घर का मशीन था, उसका मोटर ये जल गया है। दोस्तों इसके हम वाइंडिंग करने वाले हैं। दोस्तों इसके वाइंडिंग करने से पहले इस स्टार्टर के बारे में जान लें, इस स्टार्टर की साइज वगैरह क्या है और पिच कैसा है। दोस्तों हमारा जो स्टार्टर है ये, जो स्टार्टर है टोटल 24 स्लॉट का है ये। और दोस्तों हमारा जो कॉइल बनेगा ये आप देख पा रहे होंगे, एक कॉइल में हमने कॉइल पहले बना लिया है ताकि टाइम कम लगे। दोस्तों देखिए कॉइल बनाने हमने इस टाइप का फॉर्मेट किया है, ये देखिए। दोस्तों हमारे सीरीज कॉइल है, एक छोटा कॉइल एक बड़ा कॉइल, देखिए देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने कॉइल बनाया है। चार कॉइल रनिंग है, चार कॉइल स्टार्टिंग है, हमने बना लिया पहले से ही। दोस्तों हमारा टोटल 24 स्लॉट है ये, और इसका जो इनर डायल है 6.8 सेंटीमीटर है ये, और इसका आउटर डायल है 11 सेंटीमीटर है, यानी कि 110 mm का है, और ये 68 mm का है। और दोस्तों मेरा जो स्टार्टर का साइज है ये 25 mm है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर का है। दोस्तों देखिए हमने इसके डाटा लिखा हुआ है। और दोस्तों हमारा जो रनिंग वाला रनिंग पिच है 104 में 29 गेज 186 टन, और 106 में 225 29 गेज, मतलब 29 गेज। और दोस्तों रनिंग में जो है स्टार्टिंग में 104 में 145 30 गेज कॉपर वायर, और 106 में 280 30 गेज कॉपर वायर। और दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर वापरेंगे हम 450 का। और दोस्तों इसके वाइंडिंग करते हैं। और दोस्तों आपके स्क्रीन पे हमारा वाइंडिंग डाटा आ रहा होगा, रनिंग डाटा और स्टार्टिंग डाटा, दोनों डाटा साथ में आ जाएगा। और उसमें गेज कौन सा है, चन कौन सा है, पिच कौन सा है, सारा कुछ में मेंशन रहेगा। आप बराबर देख लीजिएगा और स्क्रीन शॉट बना लीजिएगा। अब दोस्तों इसके वाइंडिंग करने के लिए, हाँ दोस्तों देखिए इसको भर रहा है आपको कि वॉशिंग मशीन मोटर आप देख पा रहे होंगे, खांचा बड़ा है और ये तो छोटा है। तो सबसे पहले आपको शुरू करना है यहीं से, यानी कि पहले से डाला बड़े में, क्योंकि हमारा ये इसमें डबल कॉल आने वाला है, बाकी सब में सिंगल कॉल आएगा। जिसमें आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा, जितने बड़े आपको दिख रहे हैं इसमें डबल आएगा, यानी स्टार्टिंग भी आएगा उसके अंदर और रनिंग भी आएगा उसके अंदर। दोस्तों उसके लिए क्या करें आप ये देखिए, इसमें हमारे कई मित्रों ने हमको कहा कि सर रनिंग स्टार्टिंग में और इनर आउटर में क्या फ़र्क है, कैसे समझे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। दोस्तों देखिए अभी जो हमारा वायर है, हमारे इस रनिंग कॉइल का पहला सेट हम डालने जा रहे हैं, और जो हमारा इनर वायर है ये हमारा राइट साइड से है, और जो आउटर वायर है लेफ्ट साइड से है। दोस्तों इसको बोलते हैं इनर, जो सबसे पहला कॉइल डाला, कॉइल बनाया आपने स्टार्टिंग में, ऐसा जो अंदर का वायर घुसा हुआ है वो इनर वायर है, जो बाहर निकला हुआ है वो आउटर वायर है। इसको पहचान करना को इनर वायर क्या है आउटर वायर क्या है। दोस्तों क्या करें, सबसे पहले आपको डालना है बड़े वाले खांचे में। दोस्तों कॉइल डालेंगे एकदम आराम डालना है, जल्दीबाजी करना नहीं है, और वायर एकदम थोड़ा थोड़ा लेना है। जल्दीबाजी करने से क्या होता है, हमारा वायर मुड़ जाता है, फिर डालने में काफ़ी समस्या होती है। दोस्तों मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाने का और समझाने का, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है आपको सिखाना, हमारा मकसद है आपको सिखाना। दोस्तों देखिए आपने एक साइड डाल दिया है, फिर क्या करें धागा खोल दें। धागा खोलने से क्या होता है, फिर आपको कॉइल डालने में आसानी होती है। अब दोस्तों मैं धागा खोल लेता हूँ, चलो फिर दोस्तों फिर से आप इसको घुमा लें और वायर थोड़ा थोड़ा लें, एकदम थोड़ा थोड़ा लें, थोड़ा थोड़ा डालें, थोड़ा थोड़ा लें, थोड़ा थोड़ा डालें, आपको इस तरह डालना है। हमने कहा दोस्तों पहले ही, और दोस्तों हमारा जो पिच है ये 104 में हम डाल रहे हैं अभी, 104 106 पिच हमारा, रनिंग का भी 104 106 है और स्टार्टिंग का भी 104 106 है। तो हमने इसके लिए दो खाता छोड़ दिए बीच में। दोस्तों वॉशिंग मशीन जो मोटर है ड्राई का, मैं पहली बार भर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी भरा भी नहीं है और मेरे पास कभी आया भी नहीं था। दोस्तों ऊपर से पेपर लगा चला जाना है। दोस्तों हमारे इसमें डबल कॉल आने वाला है, तो इसको भरने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये देखिए पहले फुल हो गया है, ऐसा होता है पूरा फुल हो चुका है। ये दोबारा भरने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं है, भरेंगे हम।
अब दोस्तों देखिए, अभी आप दूसरे कॉल डाले जाएंगे तो ध्यान देना आपको, और इन्हें बार ऑटो का ध्यान रहे। अब दोस्तों देखिए, आपके छोटे वाले कॉल में वायर इस तरफ से आया था, तो अभी आपको बढ़ते रहने ध्यान दे रहे हैं कि आपको दूसरे कॉल से भी वायर उसी तरफ से निकलना है, ना कि ऐसा आपने उल्टा कर दिया तो वायर इस तरफ से आ गया, अगर इस तरफ से आ जाएगा तो गलती हो जाएगा आपसे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। दोस्तों उसके लिए देखिए, एकदम सेम जिस तरह आपने कॉल बनाया था, जिस तरह आपने कॉल बनाया सेम उसे वाला है, उसमें कोई फेरबदल करना नहीं आपको। दोस्तों देखिए, इस तरह से डालते जाए और बिठाते जाए। दोस्तों जो हमने पेपर डाला इसके अंदर, ये हमारा पेपर 7 नंबर का है, दोस्तों इसको ऐसा घुमा लिया करें जब एक साइड हो जाएगा तो, क्योंकि सबकी अपनी तरीके काम करने के। मैं दोस्तों हमेशा अपनी साइड में रख के कॉल भरता हूँ, आपको जैसा जमा ऐसा करिए, लेकिन जो तरीका है ये ध्यान दीजिए कि आपको भरते टाइम पे बाहर थोड़ा लेना है, ज़्यादा देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ, एकदम थोड़ा ले रहा हूँ, बिल्कुल ज़्यादा वाला लेता नहीं हूँ, उससे क्या होता है भरने में बड़ी आसानी होती है और बड़े प्यार चले जाता है ये। दोस्तों हमारे कई मित्रों कहना है कि सर वीडियो को एडिट मत करिए, ऐसे डाल दीजिए, तो दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल एडिट ना करूँ और एकदम टोटल दिखाना है, जिस तरह हम लाइव वीडियो बनाते हैं उस तरह से मैं कुछ भी कट करने वाला नहीं हूँ, चाहे वीडियो बने 1 घंटे का, चाहे बने आधे घंटे का, चाहे बने 10 मिनट का, कि लाइव वीडियो में क्या होता है आप टोटल दिखाते हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पे पूरा दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए, आपने एक कॉइल डाल दिया है, कॉइल डालने के बाद वो तुरंत चेक कर लेना है कि आपसे कोई गलती नहीं हो गई, कि देखिए आपका इन बार इस तरफ था राइट साइड में, तो आपका ऑटो वायर लेफ्ट साइड निकलना चाहिए, आपकी दोनों कॉल को चेक कर लें कि आपका लेफ्ट साइड निकला है कि राइट साइड निकला है, कि गलती हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना हमेशा बार बार। दोस्तों कॉल को बिठाते जाए, इसको इस तरह से गांठ मार दें, दोस्तों हमारा कॉपर आ रही है, जो हमारा तो पहले था वो एल्यूमिनियम था, लेकिन मैं इसमें कॉपर डाल रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए, आप दूसरा कॉल तभी डाल सकते हैं, अगर चाहे इस तरह डालना तो डाल सकते हैं, इस चाहे तीसरा डाला, क्योंकि वायर टूटा हुआ अलग अलग है कॉल इसके लिए। दोस्तों आपको अपने अपने सुविधा के हिसाब से काम करना है, जिस तरह आपको जमता हो, क्योंकि सबके अपने तरीके हैं, मैं बोलता हूँ बार बार कि आप काम करेंगे तो वो काम करते करते एक एक ऐसा आइडिया आएगा कि जो कि मेरे पास भी नहीं हो सकता है, तो हर आदमी का अपना आइडिया है। दोस्तों ये बात ध्यान देना भी कि आपने पहले कॉल में इन बार रखा था राइट में, तो आपको दूसरे कॉल में भी राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, इस बात का ध्यान देना बस, और कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि हमको इन वायर राइट में रखना है और ऑटो वायर लेफ्ट में निकलना चाहिए बस, ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखें, एकदम आराम से वाइंडिंग हो जाएगा। और दोस्तों देखिए मैं कितना फटाफट वाइंडिंग कर रहा हूँ, ये काम आप भी इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ वो आप जरूर कर सकते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। बड़ा दिख रहा ना? हाँ। हमारा पहला कॉइल है, इसमें डबल जाने वाला है, तो इसके लिए ज़्यादा मोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें डबल कॉइल आने वाला है, फिर अगर ज़्यादा वायर मुड़ जाएगा तो डबल कॉइल लाने में बहुत दिक्कत होगा। दोस्तों अपने पहले कहा आपसे कि मैंने कभी वाशिंग मशीन का मोटर भरा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम भरने जा रहा हूँ, दोस्तों धागा खोलते जाना है,
200 कॉयल बनाएंगे, धागा जब ढीला बांधने का, टाइट बांधने का नहीं, उससे क्या होता है खोलने में दिक्कत होती है, तो अभी सब कॉयल बनाए एकदम धागा ढीला बांधे। और दोस्तों देखिए हमारा जो इनर वायर है राइट में है और आउटर वायर जो है लेफ्ट में है। ये आप ध्यान रखें कि जिस तरफ था आपका उसी तरफ होना चाहिए बस। दोस्तों देखिए 200 कॉइल डाला आपको, तो आपको फिर से आपका वायर जो है जैसा आपने रखा पहले कॉइल में वैसे देखिए, हमने आपसे क्या कहा जिस तरह आप कॉइल बनाएंगे उसमें डालना है आपको। देखिए दोस्तों पहले वाले वायर का, पहले वाले कॉइल का वायर इस तरफ था और दूसरी उसी तरफ आना चाहिए। देखिए बस एक छोटी सी बात है, इस बात का ध्यान रखें इस बात का आपने ध्यान रखा, कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, कोई भी गलती नहीं होगी और आपका वाइनिंग आराम से हो जाएगा, पैट हो जाएगा। और दोस्तों ये छोटा सा मोटर नहीं है, आप कितना बड़ा मोटर भरते हो सभी का यही सूत्र है, पंखा हो या मोटर हो, आप कोई भी वाइनिंग करेंगे, सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, सबका एक ही सूत्र है। तो देखिए हमारा दो कॉल कंप्लीट हो चुका है, अब मैं तीसरा कॉल लाता हूँ। दोस्तों देखिए हमारा वायर ऐसा लग रहा है कि कहीं फंसा हुआ है, मगर कोई बात नहीं है, आपको तो सही बात है, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी आपने किया तो गड़बड़ होगा, इसलिए इस बात को बराबर ध्यान रखें। दोस्तों देखिए फिर से आपको इनर वायर आपने जैसे रखा पहले कॉल में सेम वैसे दूसरे कॉल में, सेम वैसे तीसरे कॉल में, सेम वैसे चौथे कॉल में, यानी जितना कॉल डालेंगे सब में आपको ध्यान देना बस। अगर आपने राइट में रखो तो राइट में रखें और लेफ्ट में रखो तो लेफ्ट में रखें, बस इतनी सी बात ध्यान रखें बस। हमारा जो दोस्तों हमारा जो वायर है 104 में डाल रहे हैं हम, 186 टन और 29 गेज कॉपर वायर है और 106 में डाल रहे हैं 225 टन और 29 गेज कॉपर वायर है। स्टार्टिंग के लिए 30 गेज कॉपर वायर है। दोस्तों हमारा जो कॉइल है एक कॉइल का वजन है, स्टार्टिंग कॉइल का रनिंग कॉइल का वजन है एक कॉइल का 66 ग्राम 66 ग्राम का है और रनिंग स्टार्टिंग कॉइल का वजन है एक कॉल का है 60 ग्राम। दोस्तों देखिए हमारा तीसरे कॉल में हमने वायर बराबर रखा जिसे रखा था फर्स्ट कॉल में इसी तरह से। दोस्तों देखिए आपका वायर देख लें किस तरफ है, ये दोस्तों देखिए हमारा वायर बराबर है। दोस्तों इस वायर के अंदर लफड़ा है, अगर आप गलती कर देंगे तो फोन गड़बड़ हो जाएगा, तो वही बात ध्यान रखें बस।
அந்த தீரம்ல सब तैयार चलना है, जल्दीबाजी करना नहीं है और ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि बाद में स्क्रैच आ जाए। दोस्तों देखिए मैं कितना प्याज डाल दे रहा हूँ और अब भी कर सकते काम, कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आप सुना हो आराम से भरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों फिर से देखिए आपके बाहर सही निकला है, सही पोजिशन पर। दोस्तों अभी बड़े कॉल में जब आ रहा है और जिस साइड निकला फर्स्ट में उस साइड निकला दूसरा निकलना चाहिए और तीसरा निकलना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखना। दोस्तों देखिए हमारे अभी हमने भरा, इसमें इस साइड ही है और इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अब दोस्तों हमारे लास्ट वाला चौथा कॉल भी डालना है अपने को। दोस्तों देखिए हमारे इस कॉल को भी निकालना है ऐसा। दोस्तों हमने देखिए इसी फर्मे से कॉल बनाया है। दोस्तों आप बोले कॉल की साइड नहीं बताया। दोस्तों हमें सोचता हूँ कभी कॉल साइज बताऊँ मैं आपको, आप बोले क्यों नहीं बताया कॉल साइज, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको फर्मा निकालने खुद आना चाहिए और कॉल साइज दिखाना आना चाहिए। तो सब इसमें कॉल साइज मापा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कॉल साइज हमारे पास है इधर, इसी बात बता दूँ आपको कि मैंने मापा नहीं अवेलेबल हो तो, क्योंकि मैं दोस्तों कभी भी आज तक कभी कॉल साइज मापा नहीं है, डायरेक्ट बताता था और डायरेक्ट करता था कि पहले वीडियो बनाता था इसलिए मेरी आदत नहीं है, लेकिन अब याद आ गया तो बता देता हूँ मैं हमारे कॉल का साइज क्या है। और दोस्तों हमारा रनिंग स्टार्टिंग दोनों कॉल के सेम साइज है, इसमें मैंने छोटा बड़ा नहीं किया है। जितना बड़ा रनिंग में है सेम उतना बड़ा स्टार्टिंग के अंदर भी है। दोस्तों पेपर लगा दिया ना, पेपर लगाना नहीं भूलना है। दोस्तों देखिए हमारा चौथे कॉल का एक छोटा कॉल डाल दिया हमने, अब बचा हमारा लास्ट है बड़ा कॉल। दोस्तों देखिए हमारा कॉयल वायर जो है बराबर उसी साइज में है, बार बार याद दिला रहा हूँ मैं कि आपको इसी बात पर ध्यान रखना है बस, क्योंकि वायरिंग के अंदर सबसे मेन बात यही है, अगर आपने ये बात ध्यान रखी है तो आपसे गलती होने का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल गलती हो नहीं सकता, बस छोटी सी बात है, इस बात का ध्यान रखिए बस। समझिए आप सिंगल फेज से जितने मोटे भरेंगे छोटे हो अथवा बड़े हो सबका एक ही सूत्र है।
ध्यान रखते। देखिए हमने सब कर डाल दिया है दोस्तों, क्या करें अभी आप एक बार फिर चेक कर ले कि आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। अच्छा दोस्तों गड़बड़ होगी नहीं, फिर भी आपको चेक करना जरूरी है, आप चेक कर लें, चेक करना बोले दोस्तों। आपको आदत होनी चाहिए अपने काम करने का तरीके पे, और एकदम भरोसा होना चाहिए अपने काम पे, भरोसा होना बहुत जरूरी है दोस्तों जी। आपको सिर्फ एक बात देखना है कि देखिए समझिए कि पहले कॉल में हमारा जवाब है बड़े कॉल से दाएं साइड निकला था, और दूसरे कॉल में भी दाएं साइड निकला है, और तीसरे कॉल में भी फंस गया पता नहीं कैसे। हाँ दोस्तों देखिए तीसरे कॉल में भी दाएं साइड है और चौथे कॉल में भी दाएं साइड है, बस इतना आपको ध्यान देना है बस। अगर आपने मैं ध्यान दी तो फिर कोई गड़बड़ नहीं है। फिर दोस्तों क्या करें, इस कॉल को इस तरह बिठा दें दोस्तों, हमारा कॉपर वायर है और काफ़ी हार्ड है ये, तो बैठेगा जल्दी लेकिन बैठेगा, इस तरह से बिठा दें। फिर आपको क्या होगा, स्टार्टिंग कॉल भरने में आसानी जाएगी और आप आराम से डाल पाएंगे। दोस्तों काफ़ी टाइट है ये, हाँ दोस्तों देखिए हमारा कॉल बैठ गया है। दोस्तों क्या करें, ये जो वायर है अपने इस वायर को अच्छे से ऐसे कर दें ताकि ये आपको दोबारा अड़चन ना कराइए। दोस्तों देखिए मैं इसको रखने लिए हमेशा वायर टेप का इस्तेमाल करता हूँ,